हे एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। और आज हम लोग बनाएंगे कि पनीर बनाते कैसे हैं। हाँ जी, पनीर की रेसिपी तो हम लोगों ने अपने चैनल पे बहुत डाला है, पर पनीर भी तो बनाना चाहिए। तो हमेशा जैसे पनीर बनाते हैं तो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 लीटर दूध ले लिए हैं और उसको गर्म करने रख दिए हैं। अब 1 कटोरा में विनेगर, और इसमें आधा विनेगर आधा पानी मिक्स करके मैंने साइड में रख लिया है। और जो दूध को गर्म करने के लिए डाल दिए हैं ना, उसको हम लोग इंतज़ार करेंगे थोड़ा बॉइलिंग पोजीशन पे आने के लिए। अच्छा खासा गर्म करना है और इस तरह से बीच बीच में ना हम इसको चलाते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, समटाइम तली में वो दूध चिपक जाता है और फिर उससे पनीर का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, तो इस समय हम लोग इसमें डालेंगे वो जो मैंने विनेगर और पानी को मिक्स करके मिलाया था ना वो, और उसे थोड़ा चलाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और डाल देंगे 1-2 मिनट के बाद, और यहाँ पे देखिए बस अब हमारा ये जो पनीर है ना वो कड़ल हो चुका है। मतलब पानी अलग हो गया है और दूध का जो प्रोटीन होता है वो अलग हो गया है, जो कि हमारा पनीर बनेगा। थोड़ी देर ऐसे छोड़ने के बाद आप देखेंगे तो अब देखेंगे आराम से ये पानी हट गया है। अब एक पैन में जो पॉट होता है ना उसके ऊपर छन्नी डाल दीजिए और साथ में एक पतला कपड़ा डाल दीजिए ताकि पनीर का जो पानी है ना वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। और पूरा का पूरा पनीर को इसमें डाल दीजिए कुछ इस तरह से। आप देखें कि नीचे में पानी जो है वो सारा आ गया है और अभी भी बहुत पानी है इस पनीर में। तो इसको आप ना कपड़े को थोड़ा सा पकड़ के और ध्यान से, क्योंकि थोड़ा गर्म भी रहता है, तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से निचोड़ के या फिर इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे ना तो पानी इसका बहुत सारा निकल जाएगा। और ये जो है ना, और इसको फिर अभी हमें मोल्ड में भी डालना है। मोल्ड इसलिए क्योंकि जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना स्क्वायर साइज़ के या रेक्टेंगल साइज़ के, उसके क्यूब पीसेस बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेरे पास ना एक मोल्ड है इस तरह से, एक स्क्वायर साइज़ का टिफिन टाइप का बॉक्स जो होता है ना वो है, और इसमें छोटे छोटे छेद डाले हुए हैं ताकि पानी जो है इसको अच्छे से निकल जाए। इसमें मैं अपने इस पनीर को डाल दूँगी और जो कपड़ा है ना इसको अच्छी तरह से बराबर में कर देंगे ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो अच्छा से क्यूब बन जाए। इसके ऊपर ढक्कन ढक के एक दूसरा बड़ा प्लेट हम डालेंगे और उसके ऊपर एक वेट डाल के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। वेट आप कोई भी ले सकते हैं। और 2 घंटे के बाद आप 2-3 घंटा अराउंड के बाद आप इसको देखेंगे तो इसका सारा पानी निकल चुका है। और आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा, जैसे बाज़ार में क्यूब में करके पैकेट में बेचते हैं ना, वैसा आपका ये क्यूब बन, ये जो स्क्वायर शेप का बन के तैयार है। आप इसको कट करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से कट होगा और काफ़ी थिक मोटा सा इसका जो ये बेस बना है बहुत ही अच्छा बाज़ार के जैसा बना है ये। तो बस देर किस बात की, चैनल पर बहुत सारे पनीर की रेसिपी है, तो जल्दी से इस पनीर को बनाइए और इस मज़ेदार सब्ज़ी इसकी बना करके खाइए एंड एन्जॉय।